الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. हज़रात गिरामी, आज का मेरा मौजू मुबारक रात शबे बरात है। प्यारे दोस्तों, ये रात रहमतों और सआदतों से दामन भरने की रात है। इस रात में अहकमुल हाकिमीन का दरबार रहमत खुला रहता है। ये रात निदामतों शर्मिंदगी के साथ आंसू बहाने की रात है, गुनाहों को माफ़ कराने की रात है। मोहतरम हजरात, शबे बरात ईद बकरीद की तरह कोई त्यौहार नहीं, कोई जश्न नहीं, बल्कि उसकी हकीकत ये है कि ये मुकद्दस रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में ज़्यादा इबादत फरमाते, कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते, मुर्दों के लिए दुआएं मगफिरत करते और दूसरे दिन रोज़ा रखते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा की बात है, 15वीं शाबान थी, मेरी बारी थी, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मकान पर तशरीफ़ लाए, कपड़े उतारे, पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए। मैंने दिल में ख्याल किया कि हो सकता है कि मेरी किसी सौतन के पास जाएंगे। मैं तलाश के लिए निकली, देखती क्या हूँ कि आप कब्रिस्तान में मौजूद हैं। मोमिन मर्दों और औरतों नीज़ शुहदा के लिए मगफिरत की दुआ में मशगूल हैं। मैं अपने ख्याल पर शर्मिंदा हुई, उल्टे पांव घर चली आई। मेरी हालत ये थी कि मेरा सांस फूल रहा था। आप तशरीफ़ लाए, फरमाया ए आयशा, तुम इतना क्यों हाँप रही हो? मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, जब आप घर से तशरीफ़ ले गए तो मुझे ख्याल हुआ कि आप मेरी किसी सौतन के पास जाएंगे। यहाँ तक के मैंने आपको कब्रिस्तान में इस्तग़फ़ार करते पाया। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुमको ये खौफ था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेगा? मेरे पास जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और बताया कि आज की रात शबे बरात है। हक ताला शान हुई, इस रात में बनू कल्ब कबीले की बकरियों के बालों के बराबर मखलूक को जहन्नम से आज़ाद करेंगे। आप जानते होंगे कि अरब में बकरी पालने का रिवाज आम था और बनू कल्ब कबीले में सबसे ज़्यादा बकरियां थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े उतार दिए, फिर फरमाया, आयशा, क्या तुम्हारी तरफ से आज रात इबादत करने की इजाज़त है? हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, हाँ हाँ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ज़रूर इजाज़त है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल हो गए और खूब इबादत की। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो आपने सुना। मगर अफसोस, सद अफसोस कि इस मुकद्दस रात में इबादत करनी थी, हम गुनाहों के काम करते हैं। हम शबे बरात में जागते ज़रूर हैं, मगर हमें पता नहीं कि किस तरह जागना है। हमारा जागना रज़ाए इलाही के लिए नहीं, हमारा जागना इबादत के लिए नहीं, हमारा जागना गुनाहों से तौबा करने के लिए नहीं, हमारा जागना रहमतों को लूटने के लिए नहीं, हमारा जागना इनामात खुदाबंदी को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि हम जागते हैं गुनाहों में इजाफे के लिए। हम जागते हैं खुदा की रहमतों से एराज़ के लिए। हम जागते हैं नामाए अमाल को सियाह करने के लिए। हम जागते हैं नेकियों को मिटाने के लिए। कहीं देखो तो आतिशबाजी हो रही है, कहीं देखो तो पटाखे छोड़े जा रहे हैं, कहीं देखो तो मस्जिदों को सजाया जा रहा है, कहीं देखो तो कब्रिस्तानों को चिरागा किया जा रहा है, कहीं देखो तो हलवा पकाया जा रहा है, कहीं देखो तो रहमतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, कहीं देखो तो सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा है, कहीं देखो तो हिंदुआना रसूमात अदा हो रही है। मुसलमानों,
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या सहाबा किराम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल था? क्या सहाबा ने आतिशबाजी की? क्या सहाबा ने पटाखे छोड़े? क्या सहाबा ने इस मुकद्दस रात में मस्जिदों को सजाया? क्या सहाबा ने इस मुकद्दस रात में कब्रिस्तानों को चिरागा किया? क्या सहाबा ने इस मुकद्दस रात में हलवा पकाया? क्या सहाबा ने इस मुकद्दस रात में रसूमात अदा की? नहीं, हरगिज़ नहीं। मुसलमानों को चाहिए कि शबे बारात सुन्नत रसूल के मुताबिक मनाएं, इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, गुनाहों से मगफिरत तलब करें, कब्रिस्तान जाएं, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से सुन्नत रसूल जिंदा होती है, मौत की याद ताज़ा होती है, दिलों में नरमी पैदा होती है, कल्बो जिगर और दिलो दिमाग में ये बात पुख्ता होती है कि ये दुनिया दार फ़ानी है, आखिरत की याद ताज़ा होती है। कब्रिस्तान में जाकर अहले कब्रिस्तान को सलाम पेश करें। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है कि मदीना के एक कब्रिस्तान से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो आपने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम अंतुम सलफुना वनहनु बिल असर। ए कब्र वालो, तुम पर सलाम हो, अल्लाह पाक हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए, तुम हमसे पहले यहाँ आ गए, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों के लिए, आबाओ अजदाद के लिए, रिश्तेदारों और आम मुसलमानों के लिए दुआए मगफिरत करे और अगले दिन रोज़ा रखे। मगर अफसोस करना क्या था, करते क्या हैं। बेहुदा हरकतों का सुदूर होता है, आतिशबाजी होती है, किसी का हाथ जलता है, किसी को चोट लगती है, किसी का घर जलता है, फजूल खर्ची में हिस्सा लेकर कुरान पाक की खुल्लम खुल्ला मुखालिफत होती है। इज्तिमाई तौर पर कब्रिस्तान में जाकर इसाले सवाब किया जाता है, कब्रिस्तान में मोमबत्तियाँ और चिराग जलाकर रोशनी का अहतमाम होता है, खाने वगैरह का अहतमाम किया जाता है। मुसलमानों, कब्रिस्तान में जाकर सुन्नत को ज़िंदा कर, अलगर्ज़ वो काम वो फ़ेल बिल्कुल इख्तियार न किया जाए जिसका शरीयत मुतहरा में वजूद नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, इसकी मिसाल एक होटल और सराय की सी है जिसमें इंसान चंद रोज़ मुसाफिर की तरह क़याम करता है। अल्लाह पाक ने इंसान को इस दुनिया फ़ानी में इम्तिहान के वास्ते भेजा है कि शरीयत इस्लामिया पर अमल करके जन्नतुल फिरदौस को अपना ठिकाना बनाए या शैतानी खुराफात पर अमल करके जहन्नम जैसी बदतरीन जगह को अपना ठिकाना और मकाम बनाए। हमारी मंजिल मकसूद आखिरत की मंजिल है, हमें इसकी मुकम्मल तैयारी करनी है। किसी ने खूब कहा है, आखिरत के वास्ते सामान कर गाफिल मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है।